यह कहानी रामगढ़ की है। करीना के माता पिता की मृत्यु के बाद वह अपने चाचा चाची के साथ रहा करती थी। करीना का रंग सांवला था, लेकिन वह बहुत ही नेक और साफ दिल की लड़की थी। उसके चाचा उसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन उसकी चाची को वह बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। सुहाना घर का सारा काम करीना से कराती थी और कोई गलती होने पर वह उसे मारती पीटती थी और वह उसे अपने आगे का खाना बचा हुआ देती थी। अरे कलमोही, ये क्या कर दिया तूने? सारे कपड़े खराब कर दिए। मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दो, मैं इन्हें अभी साफ कर देती हूँ। चल हट, पता भी है ये कितने महंगे कपड़े हैं? आई बड़ी साफ करने वाली। चल जा, नैना को खाना दे आ, उसे बहुत जोरों की भूख लगी है। चाची जी, मुझे भी बहुत जोरों से भूख लगी है, आपने मुझे 2 दिन से खाना नहीं दिया। कितना खाएगी? चल जा, पहले नैना को खाना दे आ, फिर जो उसके आगे का बचेगा वो तू खा लियो, भूख कड़ गई। करीना को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। वह घर का सारा काम करती और उसे खाने के लिए भी नहीं देते थे। सुहाना अपने आगे का बचा हुआ खाना करीना को देती थी। कभी कभी करीना को भूखे पेट ही सोना पड़ता था। एक दिन करीना किचन में सब्जी काट रही थी, तभी उसकी उंगली कट जाती है। अरे क्या हुआ कलमोही, क्यों सुबह सुबह चिल्ला रही है? करीना की चाची किचन में आती है तो वह उसकी चोट देखती है। इतनी तो तुझे लगी भी नहीं है जितना तू ड्रामा कर रही है। चल अब जल्दी से जाकर नाश्ता बना ले। मम्मी क्या हुआ, ये मनु सुबह सुबह क्यों रो रही है? अरे कुछ नहीं बेटा, तुम जाकर आराम करो, बस थोड़ी सी उंगली कटी है और उसी में इतना जोर जोर से चिल्ला रही है। इतने दिनों बाद तो मेरी छुट्टियां पड़ी हैं, उसमें भी घर में चैन से मैं सो नहीं सकती। कितनी बार कहा है मैंने आपसे, इस मनुष्य को घर से बाहर निकाल दो। जब इसे रहने के लिए छत नहीं मिलेगी तो इसकी अकल ठिकाने आ जाएगी। मम्मी अब मैं उठी गई हूँ तो मेरे लिए नाश्ता बना दो, मुझे नाश्ते में मछली खानी है। ठीक है मेरी बच्ची, तुम जाओ और आराम करो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लेकर आती हूँ। फिर नैना अपने कमरे में चली जाती है। अब खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही है? नैना के लिए जल्दी से मछली बना ले। पर चाची जी, घर में मछली नहीं है। तो बाजार से ले आ, वैसे भी तुझे बाहर जाने का मौका चाहिए। जल्दी जा और जल्दी वापस आ, ठीक है? फिर करीना बाजार मछली लेने जाती है। मछली लेकर जब वह वापस घर आती है तो उसे रास्ते में एक घायल कुत्ता दिखाई देता है। उसके बहुत चोट लगी हुई थी और मक्खियाँ भी भिनभिना रही थी। तभी करीना पास के एक पेड़ से पत्ते तोड़ती है और वह पत्ते कुत्ते के जख्म पर लगाती है। जैसे ही वह जख्म पर पत्ते लगाती है तभी कुत्ता एक परी के रूप में बदल जाता है। यह सब देखकर करीना चौंक जाती है। डरो नहीं करीना, मैं एक जादुई परी हूँ। मैं अक्सर पृथ्वी लोक पर रूप बदलकर सैर करने आती हूँ। आज मैंने एक कुत्ते का रूप धारण किया था। मैं जंगल के सैर कर रही थी तभी मुझे जंगली शिकारी कुत्तों ने घायल कर दिया। तुम बहुत ही नेक और साफ दिल की लड़की हो, तुमने मेरी मदद की, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। तभी परी उसे जादुई 2 नेल पॉलिश देती है। ये लो,
ये दो जादुई नेल पॉलिश है। तुम जैसे ही इनको हाथों पर लगाओगी तभी तुम बहुत सुंदर हो जाओगी। और दूसरी नेल पॉलिश लगाने से तुम्हें धन की कभी कोई कमी नहीं होगी। तभी करीना परी का शुक्रिया अदा करती है और वह अपने हाथों पर नेल पॉलिश लगाती है। जैसे ही करीना नेल पॉलिश हाथों पर लगाती है तभी वह बहुत सुंदर हो जाती है। यह सब देखकर वह बहुत खुश हो जाती है और वह दूसरी नेल पॉलिश अपने पैरों पर लगाती है। तभी उसके पास बहुत सारा धन आ जाता है जिससे वह एक अपना घर खरीदती है। और दूसरी तरफ करीना की चाची के लालच के कारण उनका बहुत बुरा हाल हो जाता है और वह घर से बेघर हो जाते हैं और रोड पर आ जाते हैं। एक दिन करीना गाड़ी में बैठकर घर आ रही थी तभी उसकी चाची की नजर करीना पर पड़ती है और वह उसका पीछा करते करते करीना के घर आ जाती है। करीना का इतना बड़ा घर देखकर वह चौंक जाती है। करीना बेटी, तुम्हारे जाने के बाद मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा लेकिन तुम्हारा कोई पता नहीं मिला। अब तो हमारा घर भी नहीं रहा, हम घर से बेघर हो गए। कोई बात नहीं चाची, ये भी तो आपका घर है, आप यहाँ रह सकते हो। फिर करीना अपने कमरे में चली जाती है। मुझे भी तो पता चले इस कलमोहे के पास इतना पैसा कहाँ से आया और इतना बड़ा घर इसके पास कैसे आया। रात के समय करीना जैसे ही नेल पॉलिश लगाती है तभी उसके पास ढेर सारा पैसा आ जाता है। यह सब सुहारा देख लेती है। अच्छा, ये सब इस जादुई नेल पॉलिश का कमाल है। जब ही मैं कहूँ इस मनुष्य के पास इतना सारा पैसा कहाँ से आया, इस जादुई नेल पॉलिश को तो मैं चुरा लूंगी और मैं भी माला माल हो जाऊंगी। वह नेल पॉलिश चुरा लेती है। वह जैसे ही नेल पॉलिश लगाकर देखती है तभी सुहाना का रंग काला हो जाता है और उसके सर के बाल भी उड़ जाते हैं। हेलो दोस्तों, तो कैसी लगी आपको हमारी कहानी? आशा है कि अच्छी लगी होगी। ऐसे ही और मनोरंजक कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।